हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम लीब्रा कैल्क कहते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जो लीब्रा कैल्क है ये भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना है, सेम वही चीज करनी है जो हम एक्सेल पे करते हैं। कल हमने आपको लाइव क्लास में भी दिखाया था किस तरीके से आपको करना है, डेली दिखाता ही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है तो क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले जितने हिस्से में ड्रॉप डाउन बनाना है उतना हिस्सा आपको कर लेना होगा सेलेक्ट। फिर कहाँ चलना है, डेटा टैब पर। यहाँ पर भी आपको डेटा टैब मिल जाता है, और फिर ये यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया वैलिडिटी, तो वैलिडिटी पे आपको जाना होगा। वैलिडिटी पे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर एनी वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर देखिए ऑल वैल्यूज है, होल नंबर है, डेसिमल है, डेट टाइम रेंज है और लिस्ट है। तो हमें लिस्ट बनानी है, यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पर क्या करना है, एक एक नाम लिखना है। जैसे पहला नाम हो गया राम, यहाँ पर कॉमा नहीं देना है, एंटर करना है। दूसरा नाम हो गया गौरव, तीसरा नाम हो गया श्याम, चौथा नाम हो गया सचिन, पांचवा नाम हो गया सूरज, रमेश, ठीक है। इस तरीके से करके आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। एक कर देते हैं सुरेश, तो इसी तरीके से आपको नाम लिख लेने हैं और यहाँ से बस ओके कर देना है। तो ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन सी नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब आप आसानी के साथ चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ड्रॉपडाउन बनाना कितना आसान है लीब्रा कैल्क में। लीब्रा कैल्क भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्सेल के जैसे इसमें भी रो और कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से इसे भी हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे सचिन हो गया, यहाँ पर फिर आगे आएंगे सूरज, जो भी है यहाँ पे आप करते जाइए इस तरीके से। रमेश हो गया, फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे सुरेश हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इज इक्वल टू का निशान लगाना है, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर रैंड बिटवीन लगाते हैं क्योंकि हमें रैंडमली नंबर्स की जरूरत है। तो या तो आप एक एक करके लिखिए, नहीं तो ये टेक्निक आजमाइए, ये टेक्निक काफी यूजफुल है। यहाँ पर आपको नंबर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये चूंकि फॉर्मूला होता है तो ये बार बार चेंज हो जाएगा। आपके कैलकुलेशन में चेंजेस ना आए इसके लिए जरूरी है इसको फिक्स करना। राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाके इसे बना लीजिए नंबर। जब ये नंबर बन जाएगा तो ये बार बार अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ टोटल करना है तो इक्वल्स टू यहाँ भी लगा करके टोटल होता है। यहाँ पर टैब काम नहीं करेगा ये ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ आपको शिफ्ट दबा के ये करना होगा, ठीक है। और यहाँ से सेलेक्ट करके और ये पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये जो रेंज है यहाँ तक 5 तक पूरा, ठीक है। उसको बंद करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल, ठीक है। टोटल आने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपको, ये सबका आ जाएगा। अब यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे बॉर्डर लगाने वाला सब दिया गया है, यहाँ से बॉर्डर लगा लीजिए। अब यहाँ पर हमको लगाना है वीलुकअप। कल हमने जो बताया था वीलुकअप कॉलम्स के साथ, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हेडिंग जो है बॉर्डर की, जो ये जो ऊपर की हेडिंग है, इसको हम एक कलर प्रोवाइड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं तो इज इक्वल टू वीलुकअप लगाएंगे, वीलुकअप, ठीक है। ये वीलुकअप लगाया, और वीलुकअप लगाने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। अब हमें क्या लुकअप करना है, तो जैसे मान लीजिए रोल नंबर क्या करेंगे, ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, ये पूरा ही डेटा सेलेक्ट किया, F4 दबा के फ्रीज करेंगे। तो यहाँ पर F4 दबाने से फ्रीज हो जाता है, ठीक है, जैसे एक्सेल में होता है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ये A6 वाले का, ये देखिए ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, A6, यानी ये A6 यानी सूरज का हमको क्या देखना है, हमको टोटल देखना है। तो टोटल काउंट करना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4, जहां से डेटा शुरू हुआ है वहीं से काउंट करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, कॉमा देकर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देंगे, बंद करेंगे और बंद करके एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 186 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, क्रॉस चेक एक बार करके देखते हैं कि सूरज का 186 टोटल मार्क्स आया या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही है, 186 ही आया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हमको हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग दिया गया है ना, ऊपर वाली हेडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब ये तो एक छोटी सी रेंज है, अब इस रेंज में तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन यही नाम जो है 100 200 500 हो जाए तब आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाना इज इक्वल टू वी लुकअप लगाना है। ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर वाले में नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर तो हम यहाँ से सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी रोल नंबर हो उसको सेलेक्ट करेंगे, F4 दबा के फ्रीज करेंगे, और चूंकि हेडिंग तो पहले से लिया जा चुका है तो हेडिंग लेने की जरूरत नहीं है, और बाकी का पूरा डेटा तो हमें करना होगा सेलेक्ट, न एक भी कम न एक भी ज्यादा। तो F4 दबा के फ्रिज किया, कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद यहां लगा लेंगे कॉलम्स का फॉर्मूला, कॉलम्स, ठीक है, COLUMNS, ठीक है। ये कॉलम्स का फॉर्मूला लगा लिया, और कॉलम्स का फॉर्मूला लगाने के बाद ऊपर का ये जो दो हेडिंग है इसी को सेलेक्ट करना है, और पहले हिस्से को कर देना है फ्रिज। तो F4 दबा के फ्रिज कर देते हैं,
फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ही देते हैं और बंद करके एंटर करेंगे। यहाँ पर एनए आ रहा है, एनए यानी नॉट एप्लीकेबल, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रोल नंबर ही हमने नहीं डाला है, इसी वजह से एनए आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वन डाल देता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ गया राम, ठीक है। और जैसे इसको ड्रैग कराएंगे तो सारे सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। अब इसको मैच कर लेते हैं, पहले रोल नंबर वाले का नाम राम है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वन में 17 है, बिल्कुल सही, सब्जेक्ट टू में 73, सब्जेक्ट थ्री में 14 और सब्जेक्ट फोर में 50, सब्जेक्ट फाइव में 75 और टोटल है 229, तो एकदम बिल्कुल सही है, आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जादू, अगर मान लीजिए आपको रोल नंबर 5 चाहिए तो क्या करेंगे, 5 यहाँ कर देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेंगे 5, तो ये देखिए 5 करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो ये फायदा है वी लुकअप का और कॉलम्स के फॉर्मूला का, जो कि आप लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल में भी सेम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। साथ एक काम करिएगा, लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, शाम को 7 बजे से एक्सेल की लाइव क्लास होती है, तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।